दोस्तों पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में शामदीद। मैं हूं ज़कीर रहमान वड़ाइच और आज हम बात करेंगे सोशलिज्म क्या है। लिटरली कहें तो सोशलिज्म वर्ड आया है सोशल इंटरेस्ट और सोसाइटी जैसे अल्फाज से। तो इसकी कोर फिलॉसफी है माशरा, माशरे की हिदमत करना, जहां एक तरफ कैपिटलिज्म कंपटीशन पर कायम है, सोशलिज्म सोशल जस्टिस पर कायम है। लेकिन सोशलिज्म मैं सबसे बेसिक तरीके से डिफाइन करूं तो सोशलिज्म को जैसे हमने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म को किया था, तो सिमिलर में सोशलिज्म की डेफिनेशन बनेगी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। यानी हर इंसान अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा और इसे उसकी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी। कम्युनिज्म की डेफिनेशन के हिसाब से लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सोशलिज्म में जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ज़्यादा मिलेगा। सोशलिज्म की इम्प्लीमेंटेशन का सबसे पुराना एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वो राजा महाराजा थे, जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि सोशल इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आगाज की बात हो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बुरी तरह ट्रीट किया जाता है वर्कर्स को। 10-10 साल के बच्चों को 12-12 घंटे काम करवाया जाता है फैक्ट्रीज में, बुरी कंडीशन में, और वहां से निकलने वाला ज़्यादातर प्रॉफिट फैक्ट्री मालकान के पास जाता है, जिससे इनकम इनक्वालिटी बुरी तरीके से बढ़ जाती है और मोनोपोलीज का आगाज होता है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशंस सजेस्ट किए। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म सजेस्ट किया, दूसरी तरफ थॉमस पेन जैसे कुछ फिलॉसफर्स ने, जिन्होंने कहा जो लैंड ऑनर्स हैं इन पर रियल एस्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए, और जो टैक्स से निकलने वाला पैसा है हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे इन वर्कर्स को पेंशन देने में, डिसेबिलिटी पेंशन देने में और अलाउंसेस देने में। कुछ और फिलॉसफर्स जिनके आइडियाज और सॉल्यूशंस और भी ज्यादा रेडिकल थे, जैसे कि रूसो और प्यूडन, जो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनका मतलब ये नहीं था कि आप अपना फ़ोन नहीं रख सकते या किताब नहीं रख सकते। आपकी ये सब पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पर्सनल प्रॉपर्टी में और प्राइवेट प्रॉपर्टी में। इनका मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी से था इमूवेबल स्टैंस, जैसे कि ज़मीन या फिर बिल्डिंग। कोई भी एक इंसान किसी ज़मीन का मालिक नहीं होना चाहिए या फिर किसी बिल्डिंग का मालिक नहीं होना चाहिए। इन्होंने रिलेट किया इस चीज़ को कि जो पहाड़ हैं, समंदर हैं, नदियां हैं और जंगल हैं, कोई एक इंसान इनका मालिक नहीं हो सकता, ये सब के लिए बनी हुई चीज़ें हैं। तो इसीलिए इनका कहना था कि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बेची जानी चाहिए। सेंट साइमन राइबटोन और चार्ल्स फोरियर, ये तीन बड़े जाने माने सोशलिस्ट थे, जिनका कहना था कि सोशलिज्म कोई ऐसी आइडियालॉजी नहीं है जो अमीर लोगों के खिलाफ है, बल्कि हम नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा मकसद है कि अमीर लोगों को एजुकेट करना, इन्हें मॉरल वैल्यूज सिखाना, ताकि वो खुद से देखें कि अगर वो प्रोडक्शन को गिव अप कर देंगे तो ना सिर्फ इससे दुनिया का भला होगा बल्कि इन्हें खुद भी खुशी मिलेगी। ये सब करने से इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को नाम दिया जाता है यूटोपियन सोशलिज्म। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म की। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल जैसे लोग रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को मानते थे। इनका कहना था कि सोशलिज्म कोई मॉरल वैल्यूज़ का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल है जस्टिस देने का लोगों को, और ये जस्टिस अगर नॉन वायलेंस से नहीं मिला तो लड़कर लेना चाहिए। इन सब का कहना था कि प्रॉफिट मिलना एक वर्कर का राइट है। सुनने में आपको ये आइडियोलॉजी कम्युनिज्म से काफ़ी मिलती जुलती लगेगी, क्योंकि एक टाइम में लोग कम्युनिज्म और सोशलिज्म अल्फाज को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते थे। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का ख्वाब देखा था, यानी एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी जहाँ सब मिलजुल कर रहते हों, और इस वजह से इतनी सरप्लस प्रोडक्शन होगी कि हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब मिल जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा का करना क्या, क्योंकि खरीदने के लिए तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में हर कोई तो इतना सेल्फिश है, इतना ग्रीडी है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स का मानना था कि एक सोसाइटी में जो भी क्लास डोमिनेंट होती है, इनकी आइडियोलॉजी आम आदमी की आइडियोलॉजी बन जाती है। जैसे मटेरियल कंडीशंस होती हैं, उसी के हिसाब से लोगों के शेप्ड बनती हैं। इसीलिए अगर सेल्फिश, लालची, कैपिटलिस्ट पीपल एम्बिशियस ताकत में है, तो एग्जिस्टिंग कल्चर से आम लोग भी इन लालच, सेल्फिशनेस और अग्रेसिव कंपटीशन को कोई नेचुरल चीज़ मानेंगे, इसीलिए सीधे कम्युनिज्म नहीं आ सकता।
उनकी राय में इसलिए एक इंटरमीडिएट स्टेज चाहिए होगी। इस इंटरमीडिएट स्टेज को कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म का नाम दिया है। सोशलिज्म की डेफिनेशन होगी, कम्युनिज्म था टू ईच एज पर हिज नीड, लेकिन सोशलिज्म होगा टू ईच एज पर हिज कंट्रीब्यूशन। वर्कर्स की एक वैनगार्ड पार्टी कैपिटलिस्ट के रोल को हटाएगी और मींस ऑफ प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल लेगी। कौन सा सामान बनेगा, कितना बनेगा, माशरे की ज़रूरतों को देख कर ये इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। सब लोग काम करेंगे और कमाई होगी, काम के हिसाब से जितना काम उतनी कमाई। उनके हिसाब से कोई कट थ्रॉट कंपटीशन नहीं रहेगा, तो लोगों में भूखे मरने का डर नहीं होगा, बीमारी से मरने का डर नहीं होगा, फ्री एजुकेशन होगी, सबको बेसिक एमेनिटीज मिलेंगी। इसमें कैपिटलिस्ट क्लास का दिया हुआ पुराना सेल्फिश और ग्रीडी माइंड सेट आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगा। उनके हिसाब से ऐसा करने से इवेंचुअली लोगों में मोरालिटी आ जाएगी, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा, हुकूमत खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और कम्युनिज्म वाला शेयरिंग मॉडल तब आ जाएगा। मार्क्स की इस थ्योरी की बेसिस पर सोशलिज्म की इंटरमीडिएट स्टेज आई यूएसएसआर जैसे मुल्क में, सोवियत यूनियन में, लेकिन इनका कम्युनिज्म कभी भी नहीं आया यहाँ पर। इनकी एक बारी मिसकैलकुलेशन थी। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में एक और वर्ड सुनने को मिलता है, MSME, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। अब एक स्टॉल के जो मालिक हैं वो वर्कर्स भी हैं, इसलिए ये सोशलिज्म हुआ। टू ईच एज पर हिज कंट्रीब्यूशन, जितना काम करते हैं अपने स्टॉल में दिन भर उतनी ही उनकी कमाई होती है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है बड़ी कंपनीज में। जैसे जैसे कंपनीज बड़ी बनती जाती हैं, वैसे वैसे ही उन कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स का जो प्रॉफिट शेयर होता है वो उतना ही कम होता रहता है। जिसका काम उसकी कमाई, ये एक सोशल जस्टिस की तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा MSMEs के दो मेजर एडवांटेज होते हैं। पहला ये कि इकॉनमी एक पैरामिड की तरह नहीं होती बल्कि काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड बन जाती है, इसलिए एक डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी अक्सर ज़्यादा रिसेशन प्रूफ भी होती है। और दूसरा एडवांटेज है एम्प्लॉयमेंट। खुद ही सोच कर देखिए, अगर एक बड़ी कंपनी 100 करोड़ रुपये कमाती है तो कितने लोगों को एम्प्लॉय करती है, और उससे कंपेयर कीजिए एक कोऑपरेटिव कंपनी 100 करोड़ रुपये कमाएगी तो वो कितने लोगों को एम्प्लॉय करेगी। या फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल इंटरप्राइजेस साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये कमाएंगे तो उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे। समराइज करने के लिए आप कह सकते हैं, कैपिटलिज्म में स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज इंटरप्राइजेज होते हैं, जबकि सोशलिज्म में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज होती हैं। इसके बाद आती है फैबियन सोसाइटी। ये एक ऐसी सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी जो कि फिर से वायलेंस पर यकीन नहीं रखती थी। इनका कहना था कि सोशलिज्म कोई फाइनल गोल नहीं है बल्कि एक रिफॉर्मिस्ट प्रोग्रेस है जो धीरे धीरे की जाती है। इनका कहना था कि एक आम आदमी भी इंटरप्राइजियल क्लास का हिस्सा बन सकता है, हमें प्राइवेट कंपनीज को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल लगाया। इन्होंने कहा, हम प्राइवेट कंपनीज को रहने देंगे लेकिन उन पर कुछ रेगुलेशंस लगाएंगे ताकि मोनोपोली ना बने और इनइक्वालिटी ना बने, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट की कंपनीज भी बनाएंगे, हम स्टेट कंपनीज बनाएंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाए जाएंगे। कुछ कंट्रीज थी जो एग्रीकल्चर को भी कलेक्टिवाइज करने में, जैसे कि रशिया, चाइना और क्यूबा में फिडल कैस्ट्रो ने किया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अयूब खान के दौर में इकॉनमी ग्रोथ पब्लिक सेक्टर में नहीं देखने को मिली, क्योंकि जनरल अयूब खान ने इकॉनमी को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, और इससे अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, इकॉनमी कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों चली गई। कुछ 40 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में पूरे मुल्क के 42% इंडस्ट्रियल एसेट्स पर कंट्रोल करते थे। महबूबुल हक जो कि चीफ इकोनॉमिक्स थे पाकिस्तान के, इन्होंने 1968 में ओपनली क्लेम्ड किया कि जो मुल्क की वेल्थ है वो सिर्फ 22 इंडस्ट्रियल फैमिली के हाथों में है। अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ने प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। ना तो वो पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाई बल्कि करप्शन बढ़ गई और रेड टैपिज्म ज्यादा देखने को मिला भारत के पब्लिक सेक्टर में, जिससे मुल्क की ग्रोथ नीचे चली गई। इसी वजह से बाद में भारत लिबरलाइज्ड हुआ और वेलफेयर सोशलिज्म स्टेट बन गया। अब यहाँ पर वो पॉइंट आता है जहाँ पर हमें थोड़ा सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में ओवरलैप देखने को मिलता है।
कीन्स एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी बात मैंने पिछले पार्ट में भी की थी। इन्होंने कैपिटलिज्म की तारीख बदल कर रख दी जब इन्होंने कहा हमें कंपनीज को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, मोनोपोलीज को रोकने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। कुछ लोग जो एक्सट्रीम राइट विंग होते हैं, कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि कीन्स भी एक सोशलिस्ट थे। अब कीन्स को सोशलिस्ट कहा जाए या कैपिटलिस्ट कहा जाए, इस पर काफ़ी बहस होती है। लेकिन चाइना में डिंग ज़ाइफिन ने कहा तुम इस डिबेट में उलझे रहो और तब तक मैं कीन्स के मैसेज को अडॉप्ट कर लेता हूँ। इन्होंने मोज़ेदों के पुराने तरीकों को छोड़ा, इकॉनमी को प्राइवेट बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोला, लेकिन एडम स्मिथ वाले कैपिटलिज्म से नहीं जहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, बल्कि कीन्जियन मॉडल से जहां इन्होंने कहा सोशलिज्म विद चाइनीज करैक्टरिस्टिक्स। इस वक्त गवर्नमेंट की बड़ी स्पेंडिंग थी और कैपिटलिस्ट के ऑर्गेनाइजर का रोल प्ले किया गवर्नमेंट ने। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, जिसका रिजल्ट आज हमें देखने को मिलता है। कीन्जियन मॉडल से एक और स्टेप राइट में जाएंगे हम, वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी आएगी, जिसे हम कैंपेनशियट कैपिटलिज्म करके भी बुला सकते हैं, यानी नॉर्डिक कैपिटलिज्म कहकर भी बुला सकते हैं, जो कुछ लोगों के जरिए सोशलिस्ट कंसीडर किया जाता है। आज के दिन जो कंट्रीज सबसे अच्छा कर पा रही हैं वो हैं नॉर्डिक कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज, जहां पर टैक्स काफ़ी हाई है, कैपिटलिज्म को बैन नहीं किया गया है, लोगों को अलाउड है प्राइवेट कंपनीज खोलना, प्रोग्रेस करना और मनी बिगेट्स मनी वाली चीज़ होना। जिसके पास पैसे होंगे वो और ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हुकूमत कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हो ताकि वहाँ से पैसे लेकर वेलफेयर स्कीम्स में डाले जाएं, जहाँ पर गरीब लोगों की मदद की जाए। पैसे फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन और हाई क्वालिटी फ्री हेल्थ केयर मुल्क में सबको देने में खर्च किए जा सकें, जैसे कि मुल्क में हर किसी इंसान के लिए सेम स्टार्टिंग लाइन बनी रह सके। इस रीज़न से नॉर्डिक कंट्रीज मुल्क में डेवलपमेंट, ह्यूमन हैप्पीनेस और सही मायनों में प्रोग्रेस और ग्रोथ लाने में सक्सेसफुल रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सक्सेसफुल रही है, क्योंकि ये भी कुछ मायनों में नाकाम रही है, जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज का एक एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म का, जिसे अभी तक कोई भी काउंटर नहीं कर पाया। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।